डिशेस वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज हम चिकन की एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत पसंद की जाती है, वो है अफगानी चिकन। अफगानी चिकन बनाने के लिए मैंने काजू और थोड़ी सी मगज 1 घंटा पहले भिगो कर रखी थी और अदरक लहसुन लिया है। इस तरह हम डालने से मसाला बहुत अच्छा बनता है। प्याज को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, ज़्यादा गोल्डन नहीं किया है, बस हल्का सा फ्राई किया है। थोड़ी सी हरी मिर्चें और डंडियों के साथ हरा धनिया लिया है, हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा ही लीजिए। इन सबको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। मसाला हमने अच्छे से बारीक ग्राइंड कर लिया है, एक बड़े बाउल में निकाल लिया है। उसमें एक बड़ी कटोरी हम दही ऐड करेंगे, आधी कटोरी फ्रेश मलाई ऐड करेंगे, आप पैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं क्रीम। कसूरी मेथी आधा चम्मच डालेंगे, गरम मसाला और काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम उसमें चिकन ऐड कर लेंगे, आधा केजी चिकन लिया है मैंने, उसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक घंटा हम अच्छे से मिक्स कर मैरिनेट के लिए रख देंगे। एक पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है और थोड़ा सा बटर डाल लूंगी, इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। सारे पीसेस को हम ऐसे डाल लेंगे, मसाले को थोड़ा सा अच्छे से झटक कर निकाल लेंगे, फिर एक एक पीस ऐसे रख लेंगे। पलटा देंगे, हमें ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा ये लाइट कलर गोल्डन हो जाए हम निकाल लेंगे और एक बैच ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। देखिए अब ये थोड़ा सा हो चुका है, हम निकाल लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। सेकेंड बैच भी मैंने फ्राई कर निकाल लिया है। इसी पैन में हम ये सारा मसाला ऐड कर देंगे, इसकी ग्रेवी तैयार कर देंगे। अच्छे से हम नीचे से चम्मच को चलाते रहेंगे। जितना अच्छा ये भुनेगा उतना ही टेस्टी हमारा चिकन बनेगा। मसाले को हमने 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें तला हुआ चिकन ऐड कर देंगे। सारा चिकन डालकर इसे अच्छे से हम तला लेंगे। मसाला तो भून चुका है, ये थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया है हमारा चिकन, और थोड़ा गलेगा तो अच्छे से कुक हो जाएगा। मसाले आप जितने बारीक पीसेंगे ग्रेवी आपकी उतनी ही अच्छी बनेगी। देखिए अब हम इसे ढककर 5 मिनट तक पका लेंगे। 5 मिनट तक मैंने लो फ्लेम पर ढककर रखा था। देखिए ऑयल भी सरफेस पर आ चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हमारे अफगानी चिकन से। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर लेंगे। हरा धनिया हमेशा लास्ट में ऐड कीजिए, बस कुछ ही देर उसे मिक्स कर दीजिए और फ्लेम को ऑफ कर लीजिए, इसे ज़्यादा ना पकाएं। नमक आप इस स्टेज पर चेक कर लीजिए। हमारा मज़ेदार सा अफगानी चिकन बनकर तैयार हो चुका है। लीजिए हमारा मज़ेदार सा अफगानी चिकन बनकर तैयार हो चुका है, बहुत मज़ेदार बना है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ, आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।